सतयुग आश्रम इंटर कॉलेज से निकली एक युद्ध नशे के विरुद्ध रैली, अध्यक्ष राज्य मंत्री स्तर उत्तर प्रदेश बाल संरक्षण आयोग ने की रवाना। आपको बता दें घंटागढ़ निकट सतयुग आश्रम इंटर कॉलेज से एक युद्ध नशे के विरुद्ध रैली निकाली गई। रैली का आयोजन गुरुवार दोपहर 2 बजे सतयुग आश्रम इंटर कॉलेज से किया गया, जिसको अध्यक्ष राज्य मंत्री स्तर उत्तर प्रदेश बाल संरक्षण आयोग डॉक्टर देवेंद्र शर्मा द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। रैली में छात्र छात्राएं, आशा, आंगनवाड़ी, शिक्षक, सदस्य बाल कल्याण समिति, स्काउट गाइड, युवा मंगल दल, एनसीसी कैडेट्स, खिलाड़ी, नेहरू युवा दल के बच्चों द्वारा प्रतिभाग किया गया। यह रैली कोर्ट रोड पहुंचकर समाप्त हुई। एक युद्ध नशे के विरुद्ध नारकोटिक्स विभाग और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग उत्तर प्रदेश दोनों का ज्वाइंट एक्शन प्लान है, और इस प्लान के तहत हमने जन जागरण, क्योंकि बाल आयोग का काम है जन जागरण करना, और आज सहारनपुर में जन जागरण का प्रकटीकरण विद्यार्थियों के द्वारा, हमारे सरकारी अधिकारियों के द्वारा, हमारे आंगनबाड़ी बहनों के द्वारा, एएनएम के द्वारा, हमारी पुलिस के द्वारा, सभी विभागों के द्वारा जो बच्चों से संबंधित हैं, सबने आज एकजुट होकर सहारनपुर को नशा मुक्त करने का संकल्प के साथ, और दूसरा हमने आह्वान किया है कि आने वाली दीपावली पर एक युद्ध नशे के विरुद्ध, नशे को खत्म करने के लिए एक दीपक जलाएं, जिससे बच्चे पढ़ें और बच्चे आगे बढ़ें, बच्चे खेल में सहारनपुर का नाम करें, उत्तर प्रदेश का नाम करें, यही अभिलाषा लेकर हम आए हैं। और हमने ये आह्वान किया है कि दीपावली पर मैं सहारनपुर की जनता से निवेदन करता हूँ कि नशे के विरुद्ध एक अपने घरों पर एक दीपक जरूर जलाएं। आज इतना बड़ा कार्यक्रम था, लेकिन एक भी जनप्रतिनिधि जो है बीजेपी आपके साथ ही है। ये जो आंदोलन है, ये बाल संरक्षण इकाई का आंदोलन है, और बाल संरक्षण इकाई के सभी हमारे जो जितने भी सदस्य हैं, हमारे यहाँ बाल संरक्षण इकाई में जिले में जिला अधिकारी अध्यक्ष होते हैं, और सचिव हमारे जिला प्रोबेशन अधिकारी होते हैं, और विभिन्न जो बच्चों से संबंधित विभाग हैं, सारे विभाग हैं, एक भी विभाग एब्सेंट नहीं है। उपचुनाव को लेकर क्या कहेंगे? मेरा बच्चों से संबंधित विषय। कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने धान क्रय केंद्र प्रभारियों को किया सचेत, दी जानकारी। आपको बता दें जिलाधिकारी मनीष बंसल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में गुरुवार शाम 5 बजे न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना अंतर्गत धान खरीद के संबंध में समीक्षा बैठक आहूत की गई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि शासन के मंशा के अनुरूप क्रय केंद्रों पर कृषकों को पेयजल, बैठने एवं पार्किंग सहित अन्य सुविधा उपलब्ध कराई जाए। कृषकों का भुगतान समय से कराना सुनिश्चित किया जाए। कृषकों के पंजीकरण में तेजी लाई जाए। किसानों के धान खरीद के समय ही उनके खाते को NPCI कराना सुनिश्चित करें। सभी SDM एवं मार्केटिंग इंस्पेक्टर संयुक्त रूप से धान क्रय केंद्रों का निरीक्षण कर रिपोर्ट उपलब्ध कराएं कि निर्धारित मानकों के अनुसार क्रय केंद्रों पर सुविधाएं उपलब्ध हैं अथवा नहीं। सभी उपकरणों का सत्यापन अनिवार्य रूप से कराया जाए एवं सभी उपकरण क्रियाशील रहें। जनपद के लिए 5,000 मीट्रिक टन के निर्धारित लक्ष्य को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। मनीष बंसल ने बताया कि धान क्रय केंद्रों पर क्रय 1 अक्टूबर से प्रारंभ है, जो कि 31 जनवरी 2025 तक जारी रहेगा। कोर्ट रोड स्थित होटल सभागार में नवदृष्टि नवयुग प्रधान संगठन ने प्रेस वार्ता कर झोले छाप डॉक्टरों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग। आपको बता दें गुरुवार दोपहर 3:30 बजे नवदृष्टि नवयुग प्रधान संगठन के अध्यक्ष संजय वालिया के द्वारा कोर्ट रोड स्थित होटल सभागार में प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें संजय वालिया का कहना था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्पष्ट निर्देश हैं, झोले छाप डॉक्टरों को किसी भी सूरत में बख्शा ना जाए, लेकिन इसका फायदा सिर्फ CMO कार्यालय को हो रहा है। जो झोले छाप डॉक्टर इनकी मंशा को पूर्ण नहीं करता, केवल उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। जिनसे यह लोग मलाई चाट रहे हैं, उनके खिलाफ आखिर क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही? संजय वालिया, आज एक प्रेस वार्ता इस बात को लेकर कि हमारे CMO सहारनपुर हैं, कहीं ना कहीं निरकुश हो गए हैं, कहीं ना कहीं उन्हें महसूस होने लगा कि तुम तानाशाह हो गए हो, किसी की बात नहीं सुनना, किसी की बात पे कार्रवाई नहीं करना। और जो योगी जी ने एक फरमान आदेश दिया है कि जितने भी शहर के अंदर झोला छाप हों, गैरकानूनी अल्ट्रासाउंड सेंटर हों, अस्पताल हों, सबको बंद किया जाए, इस चीज का उन्होंने फायदा उठाकर जो उल्टा गेम खेलना शुरू कर दिया है योगी जी के नाम पे। जहां जहां जो अल्ट्रासाउंड सेंटर या जो अस्पताल पैसा देने का काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उन्हें लूटने का काम करने का काम कर रहे हैं, उनसे पैसा लेने का लगातार काम कर रहे हैं, जबकि एक एक मोहल्ले में 20-20 लगभग ऐसे डॉक्टर हैं जो बड़े अस्पताल स्थापित किए हुए हैं,
तब भी उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। कार्रवाई का दिखावा कर सिर्फ उन अस्पतालों को टारगेट किया जा रहा है जिन्होंने या तो अभी खोले थे या छोटे हैं, जहां से उन्हें पैसा मिलने का काम नहीं हो रहा है, सिर्फ उन अस्पतालों को टारगेट करते हैं। और दूसरा पूछना चाहता हूं मैं सीएमओ साहब से कि वो कौन सा तरीका है कि आज बंद अस्पताल बंद कर किया जाता है, आज अल्ट्रासाउंड सेंटर बंद किया जाता है और 15 दिन के बाद वो सही हो जाता है खोल दिया जाता है। ऐसा क्या मानक बदल जाते हैं 15 दिन के अंदर के डॉक्टर पैदा हो जाता है या मानक सही हो जाते हैं? नवनीता आशा जो हमारी थी उसका प्रकरण था, उसका बदतमीजी होने का काम हुआ लेकिन आज तक उस पर कार्रवाई होने का काम नहीं हुआ। अल्ट्रासाउंड सेंटर जो नियम के खिलाफ है उन पर कार्रवाई होने का काम नहीं हुआ। और एक और सीएमओ साहब संजय वाले की शिकायत करते हैं कप्तान साहब से कि वाले जी हम पर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं, वाले जी हमें नजात सताने का काम कर रहे हैं। आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, अपनी आवाज उठाना भारत के लोकतंत्र में स्वाभाविक है। आप अगर गलत करोगे, हम अपनी आवाज उठाते तो नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? और सीएमओ साहब अगर कोई अनैतिक कार्य किया हो तो मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का काम करें, मुझे गिरफ्तार करवाने का काम करें। यह कौन सा तरीका कि आप मुझे थाने बुलवा के ऐसे से बातचीत कराने का काम करेंगे? मैं खुलेआम चैलेंज करता हूं सीएमओ साहब को, कहीं भी अनैतिक काम करता हूं तो मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करें और मुझे जेल भेजने का काम करें। आज इसलिए प्रेस किया कि इसी प्रकरण को लेकर क्योंकि जिलाधिकारी को कई बार ज्ञापन दिया, कार्रवाई नहीं हुई। 21 तारीख को 11 बजे हम अपने साथियों के साथ कमिश्नर कार्यालय पर जाएंगे, सीएमओ के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर हम ज्ञापन देंगे और उनसे बातचीत करेंगे, कार्रवाई आप लोग करोगे या इसके लिए हमें योगी जी के पास जाना पड़ेगा। थाना सदर बाजार पुलिस ने महिलाओं पर अश्लील फब्तियां कसने वाले अभियुक्त को जेवी जैन कॉलेज के पास से किया गिरफ्तार, की कार्रवाई। आपको बता दें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना सदर बाजार पुलिस ने महिलाओं पर अश्लील फब्तियां कसने वाले अभियुक्त आर्यन को गुरुवार शाम 5 बजे जेवी जैन कॉलेज के पास से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में महिला उप निरीक्षक श्वेता शर्मा, उप निरीक्षक यूटी दीपक कुमार मौजूद रहे। गांव मानकपुर सादा में स्कूली बस ने 4 साल की बच्ची को कुचला, बच्ची की हुई मौके पर दर्दनाक मौत। आपको बता दें थाना चिलकाना क्षेत्र के गांव मानकपुर सादा में गुरुवार दोपहर 2 बजे स्कूली बस ने 4 साल की बच्ची को कुचल दिया, बच्ची की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर पहुंचे थाना चिलकाना प्रभारी कपिल देव एवं पुलिस फोर्स ने बस को कब्जे में लिया एवं चालक को हिरासत में लिया। इस दौरान पुलिस टीम ने हंगामा कर रहे ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत कराया। गांव उनाली में चोरों ने शराब की दुकान में चोरी की घटना को दिया अंजाम, पुलिस ने घटना स्थल से तमंचा किया बरामद। आपको बता दें थाना कुतुबशेर क्षेत्र के गांव उनाली में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरों ने शराब की दुकान में ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोर शराब की दुकान से 112 पेटी शराब जिनकी कीमत 3,50,000 रुपये, गल्ला तोड़कर 3,500 रुपये चुरा कर फरार हो गए। गुरुवार दोपहर 2 बजे दुकानदार ने थाना कुतुबशेर पहुंचकर चोरों के विरुद्ध तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस तहरीर के आधार पर मामले की जांच में जुट गई है। नगर निगम अधिकारियों द्वारा चिलकाना रोड पर पशु डेयरियों का किया गया निरीक्षण, गंदगी फैलाने पर निगम ने डेयरी से पशु जब्त किए। आपको बता दें नगर निगम अधिकारियों द्वारा गुरुवार शाम 4:30 बजे चिलकाना रोड पर आधा दर्जन पशु डेयरियों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान एक पशु डेयरी संचालक द्वारा गंदगी फैलाए जाने पर उसके 2 पशु जब्त कर निगम ले आए गए। नगरायुक्त संजय चौहान के निर्देश पर निगम के पशु कल्याण व चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संदीप मिश्रा के नेतृत्व में निगम अधिकारियों ने चिलकाना रोड पर करीब आधा दर्जन पशु डेयरियों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि अहमद कॉलोनी में एक पशु डेयरी संचालक द्वारा गंदगी फैलाई जा रही है। इस पर जब अधिकारियों ने उस पर जुर्माना लगाना चाहा तो वह आनाकानी करने लगा, जिस पर निगम अधिकारियों ने उसके 2 पशु जब्त कर लिए और उन्हें निगम ले आया गया। थाना सदर बाजार पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का लिया संज्ञान, लापरवाही से चलाए गए वाहनों को किया जब्त, एसपी सिटी ने दी जानकारी। आपको बता दें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु लगातार कार्रवाई कर रही है। थाना सदर बाजार पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का संज्ञान लिया है। पुलिस ने लापरवाही से चलाए गए 4 वाहनों को चिन्हित कर जब्त किया है। थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने गुरुवार शाम 5:30 बजे पुलिस लाइन स्थित कार्यालय से संबंधित जानकारी दी। वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, बताया जा रहा है थाना सदर बाजार क्षेत्र में, जिसमें एक थार और कुछ स्कॉर्पियो गाड़ियां हैं
जो पूरी स्पीड है ऑटो वजन को लिख रहे हैं, क्या प्रबंधक सर क्या कर रहे हैं? जी हाँ, कल ये शाम से एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें ये सदर बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत ऑफिसर कॉलोनी पड़ती है, उसके सामने से कुछ गाड़ियां बहुत रैश तरीके से, बहुत गलत तरीके से स्टंट बाजी करते हुए वहां से पास होती दिख रही है। उसमें हूटर की आवाज भी आ रही है और उनके ऊपर ब्लिंकर्स भी लगे हुए हैं जो कि मान्य नहीं है किसी प्राइवेट गाड़ी में लगना। उसी वीडियो के आधार पर इन गाड़ियों को जब्त किया गया है, चार गाड़ियों को थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा, इसमें चालान की भी कार्रवाई की गई है और एक मुकदमा भी पंजीकृत कर दिया गया है। सर कब का बताया जा रहा है वीडियो, कितने लोग इसमें सवार हुए, उनको क्या कार्रवाई? जी ये वीडियो किस टाइम का है वो ज्यादा क्लियर हो नहीं पा रहा है, लेकिन जब जिनके पास से गाड़ियां बरामद हुई उनके द्वारा बताया गया है मार्च या अप्रैल का वीडियो है। जब ये वीडियो ये लड़के किसी बर्थडे पार्टी से आ रहे थे उनके द्वारा ये कृत कारित किया गया था, और अब जो इस पे गाड़ी चला रहे थे उनके बारे में पूछताछ की जा रही है कौन लड़के थे जो गाड़ी चला रहे थे, और उनका भी नाम इस विवेचना में खुलकर उनका विधिक निषेध करा जाएगा। जनपद में न्यायालय ने जहर देकर हत्या करने के मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास 35,000 रुपए के अर्थदंड से किया दंडित। आपको बता दें 30 जून 2017 को मुकेश द्वारा थाना नकुड़ पर तहरीर दी गई कि अभियुक्त बिजेंद्र द्वारा पीड़ित की बहन कुमारी रंजीता को जहर देकर उसकी हत्या कर दी गई है, जिसको लेकर थाना नकुड़ पर संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था। उपरोक्त अभियोग माननीय न्यायालय में विचाराधीन था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल द्वारा की गई सशक्त पैरवी के चलते न्यायालय ने दोषी अभियुक्त को गुरुवार शाम 5 बजे आजीवन कारावास 35,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मिशन कंपाउंड स्थित गन्ना विकास समिति में चेयरमैन पद के लिए हुई नामांकन प्रक्रिया में मनोज बुंडीर को चुना गया चेयरमैन। आपको बता दें गन्ना विकास समिति के मनोज बुंडीर सर्वसम्मति से गुरुवार शाम 5 बजे चेयरमैन चुने गए। मनोज बुंडीर ने सभी डेलीगेट व संचालकों का आभार जताया। मिशन कंपाउंड स्थित गन्ना विकास समिति में चेयरमैन पद के लिए नामांकन प्रक्रिया में 11 संचालकों द्वारा मनोज बुंडीर को चेयरमैन चुना गया। बताते चले कि 2 संचालक पद के लिए मतदान हुआ था जिसमें रूबी व नवाब सिंह ने जीत हासिल की थी, जबकि 9 संचालक पहले ही निर्विरोध हो चुके थे। क्या कहना चाहेंगे? आ जाओ। जी। आज निर्विरोध चुने गए हैं, क्या कहना चाहेंगे आज चुनाव? सबसे पहले तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करूंगा, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व जो प्रदेश में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, क्षेत्र में हमारे जिला अध्यक्ष हैं माननीय महेंद्र सैनी जी, और सब जनप्रतिनिधि हमारे जिले के, क्योंकि हमारी समिति, मेरी जो समिति है गन्ना समिति सहारनपुर, ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समिति है। 406 गांव इसमें हर 5 विधानसभाएं आती हैं, तो इसमें सभी का सहयोग जनप्रतिनिधि, माननीय जनप्रतिनिधियों का, माननीय विधायक गंगो किरत सिंह जी, माननीय विधायक नकुड़ मुकेश चौधरी जी, माननीय विधायक रामपुर देवेंद्र नीम जी, माननीय मंत्री ब्रजेश जी, जगपाल विधायक जी, पूर्व विधायक जगपाल विधायक जी, माननीय मंत्री जसवंत सैनी जी, जिलाध्यक्ष जी, सभी का सहयोग रहा। ईश्वर की कृपा है, ईश्वर नाम मुझे ईश्वर का पहले लेना चाहिए था, बाद में इसलिए ले रहा हूँ कि सब कुछ जो यहाँ तक पहुँचा हूँ सब उन्हीं की देन है। निर्विरोध डेलीगेट, निर्विरोध डायरेक्टर, निर्विरोध चेयरमैन, ईश्वर की कृपा, सब भाइयों का, मेरे भाइयों का, सबका सहयोग, और सब जनप्रतिनिधि, सब पार्टी वालों का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थाना गागलहेड़ी के गांव ढाला माजरा में ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार की दर्दनाक मौत, एक घायल। आपको बता दें थाना गागलहेड़ी क्षेत्र के भगवानपुर रोड स्थित गांव ढाला माजरा में भगवानपुर की ओर से आ रहे ट्रक की चपेट में गुरुवार रात्रि 8 बजे 2 बाइक सवार युवक आ गए। हादसे में बाइक सवार सूरजपाल निवासी छपरेड़ी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसका साथी पप्पू गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची गागलहेड़ी पुलिस ने मृतक का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। घायल युवक को राहगीरों की मदद से निजी वाहन द्वारा उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया। वहीं हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया और सड़क पर दोनों ओर लंबा जाम लग गया। जाम को पुलिस ने बड़ी मुश्किल से खुलवाया। जनपद में भगवान वाल्मीकि का 78वां प्रकट उत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया, निकली शोभा यात्रा। आपको बता दें गुरुवार शाम 5:30 बजे बहराइच की घटना के बाद सभी जिलों को हाईलाइट पर रखा गया था। सहारनपुर को संवेदनशील मानते हुए शोभा यात्रा के दौरान पीएसी की 2 कंपनियां में भारी पुलिस बल तैनात रहा। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में शोभा यात्रा निकाली गई। भगवान वाल्मीकि का प्रकट उत्सव मनाया गया, जहां रेलवे स्टेशन वाल्मीकि मंदिर पर भगवान वाल्मीकि मंदिर को सजाया गया।
आज भगवान वाल्मीकि प्रकट उत्सव की पहले सभी नगरवासियों को हार्दिक बधाई। आज जिला वाल्मीकि सभा की ओर से जन जिला वाल्मीकि सभा के ऊपर मैं भिन्न भिन्न मोहल्लों से झांकी आती है और बैंड आते हैं और एक जगह एकत्रित हो गए जो पूरे शहर में भ्रमित है और पूरा निकालती है शोभा यात्रा। आज बड़ी सत्तरवीं शोभा यात्रा है, बड़ी खुशी का दिन है। आज ये हमारे सब मोहल्लों से झांकी आके यहाँ एकत्रित होती है और यहाँ से होते हुए घंटाघर, घंटाघर से चौकी से ये प्रताप मार्केट चौक, प्रताप मार्केट से चौकी सराय, चौकी सराय से जामा मस्जिद, जामा मस्जिद से भगत सिंह चौक और भगत सिंह चौक से वापस आती है। फिर घंटाघर से आगे रेलवे स्टेशन में उनको प्राइज दिए जाते हैं। और मुख्य अतिथि हमारे राजेंद्र गुंडर जी हैं विधायक और हमारे महापौर जी हैं।